बट चलो हम नशे की बात पे आई गए तो एक इम्पोर्टेंट नशा जो हम सब कहते हैं प्यार हाँ मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था मैं हाँ। बड़ा उससे प्रभावित हो गया कि हाँ। आपने बोला प्यार वो करो जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही हो वरना मत करो

तो ज्ञानी दिया है और मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ रिलेशनशिप बाहर से तो मेरा ये मानना है कि ग्रोथ की बात है मेरे जिंदगी में कोई भी चीज आप करोगे अगर कोई आपके फ्रेंड है जो आपको ग्रो ही नहीं करने दे रहे जैसे जनरली बात करते हैं कि अरे हमारे फ्रेंड तो हम चारों दोस्त हैं हम किसी को ग्रो नहीं जैसे लौंडा लौड़ा फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा होता ही है कि यू फील बैड इफ यू और अगर आपका दोस्त जो है कुछ बेटर करने लगे तो आपको लगता है कि अरे ये दोस्त ज्यादा सयाना हो गया है ज्यादा बहुत जो की अच्छी बात नहीं है लाइक यू हैव हैव टू लाइक मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं हम चारों वी ऑल हैदर हम चारों आप जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं और तभी आपकी फ्रेंडशिप रहेगी वरना सरवाइव करेगी अगर आप ये करोगे अरे यार अब तो वो यार नाटक करने लगा यार अब तो वो कैब से आता है पहले हम ऑटो जाते तो भाई अब जब आदमी जिंदगी आगे बढ़ेगा तो आदमी कैब से ही ना आएगा कि वो अभी भी वो तुम्हारे साथ ही बस में घूमे क्यों घूमेगा भाई अगर उसकी ग्रोथ हो गई तो जनरली फ्रेंडशिप भी आपको वही करनी चाहिए जो आपको ग्रो करे ग्रो भी ना करे तो अगर फ्रेंडशिप के साथ आप ग्रो नहीं कर रहे हो मैं नहीं बोल रहा कि फ्रेंडशिप में एक बैरियर लगा दूंगी अगर सामने वाले के साथ ग्रो अगर आपको नेगेटिव नहीं ले जा रहा है वो खींच नहीं रहा है हाँ, कोई भी, तो भी को, है। कोई भी फ्रेंडशिप या कोई भी रिश्ता जिंदगी में आपको पीछे खींचने के लिए नहीं है आपकी अपनी आपको आपकी लाइफ भी देखनी है क्योंकि आपको है। अपने साथ जीना है पूरी अस्सी साल जिंदगी केव टू की आपने जितना ज्यादा प्लीज सॉरी बास्केट बॉलर है शेखो नील है ना उसने अपने घर में उसके मैं घुक्का रूम है अच्छा हाँ उसने बना रखा है तो सपना वही है दोस्तों <laughs> <laughs> मेंशन का पता नहीं वो रूम का पता रूम <laughs> रूम तो मैंने 2 बीएचके में बना दिया वाला <laughs> एक रूम में सोता हूँ मैं एक लोग <laughs> <laughs> अंदर से शैकोनी <laughs> दीवार काली हो गई वहां <laughs> तो वही है कि कोई भी रिश्ता जो है आपको पीछे नहीं खींचना चाहिए <laughs> और आपको ग्रोथ तो एज अ पर्सन यू हैव टू ग्रो एज अ पर्सन क्योंकि उसके अलावा एक्सिस्टेंशियलिज्म आ जाता है ना अगर आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो आप दस साल पहले वही चीज कर रहे थे अभी वही चीज और ग्रोथ इज नेवर आ, पैसा इज वन पार्ट ऑफ द ग्रोथ राइट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ जैसे मेरी इस पिछले साल की ग्रोथ है कि मैं स्विमिंग सीखी वो मतलब मैं स्विमिंग सीखनी थी बचपन से मैं सीख ली हाँ। वो मेरी ग्रोथ है हाँ। अब मैं इस साल सर्फिंग सीखूंगा मैं यही बोल के जा रहा हूँ कि एक साल के अंदर मैं सर्फिंग सीख जाऊंगा वेव्स पे चढ़ के वो करना मैं कहीं ना कहीं छुट्टी लेके जाऊंगा दस दिन के लेकिन मैं सीख के आऊंगा तो मेरे को यह कि नई नई चीजें आए कोई आदमी आपको नई चीज सिखा रहा है ऑलवेज ट्राई टू मेक बेटर फ्रेंड्स देन यू

मतलब ऐसा नहीं कि पुराने दोस्त छोड़ना है आपको लेकिन आपको एज अ पर्सनालिटी ग्रो भी करना है यही मैं रिलेशनशिप में भी एस्पेक्ट मानता हूँ कि रिलेशनशिप भी आपको वो जो आपको प्रेम है वो समृद्ध करना चाहिए अगर वो आपको पीछे खींच रहा है और अगर आपको एक किसी गर, किसी में आ, किसी रिलेशनशिप में आए हो आप अच्छे अभी तक रिलेशनशिप तो में आया हूं रिलेशनशिप में आया हूं अच्छे वाले में नहीं नहीं मेरा एक ही रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है और वो मतलब बेटर स्वीट है अच्छा भी था खराब भी था अच्छा वो तो मतलब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अच्छा रिलेशनशिप था वाह

इतना इतना यहाँ लगा के ऐसे मेरे को इतना इतर लगाना सिखाया था उन्होंने कि यहाँ नर्व्स पे लगा दो तो वो पूरा फैल जाता है इत... चलो चलो भाई पंगस ने पार्टी जैसे बोलते हैं रख शुरू करते हैं म्यूजिक तो <वो> शक... <laughs> <laughs> मैं फूलों का मैं जेमिली बोगर बेलिया चंपा और वही जय उसके भाई रात रानी की बात कर रहा था भाई कहाँ ले गए मोगरे की वो लगवा दी मेरे से

मतलब लव इज़ माई ओनली एस्पिरेशन इन लाइफ अगर मैं उसको भी छोटा करके देख लूँ अच्छा। अरे ये भी प्रैक्टिकली चीज़ है अरे इसमें भी वो सुबह सुहानी नहीं होगी मुझे पता ही नहीं होगी मतलब जैसी आप सुबह इमेजिन करते हो अपने महबूब हाँ। के साथ कि आप सुबह उठोगे और आपका महबूब पर्दे खोलेगा और बड़ी ऐसी सनलाइट आ रही होगी हाँ। और पीछे म्यूजिक अच्छा बज रहा होगा हाँ हाँ। वैसे आप मोस्टली रिलेशनशिप्स में नहीं होता है मुझे भी पता है मेरे रिलेशनशिप में नहीं होगा लेकिन मैं सपना भी ना देखूँ भाई आपको नहीं लगता कि आप अगर बहुत ज़्यादा सपने देख लोगे और जब वो रियलिटी में हिट करेगा तो आपको वो एक दिल टूटेगा मैं बता रहा हूँ बाकी सारी चीजों में, में आ चुके हैं हाँ। हम बचपन में सपना देखते कि हम भाई एक बहुत ही की कुछ करेंगे आप हाँ। बचपन में सोच रहे एस्ट्रोनॉट बनते तो आप एस्ट्रोनॉट नहीं बन रहे होते है सारी चीजों को धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है की आपको लग रहा होता है कि स्टॉक मार्केट में आप मचा दोगे एक दिन आप उतरोगे हम लोगों का तो फिर भी थोड़ा बहुत ये अटेंशन फेम वाला हो गया तो हमारा एक पार्ट ऑफ एस्पिरेशन सॉल्व हो गया लेकिन जो बाकी एस्पिरेशन थे कि भाई बड़ा बंगला होगा सुबह गाड़ी से हम निकलेंगे वो सब वो सब चीजें तो धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हो तो आपको पता चलता कि ये सारी चीजें नहीं है जैसे मोस्टली टॉपर्स के साथ ही होता है कि उनको लगता है कि उनकी जिंदगी सॉर्ट ही हो गई है और वो आई में जाकर हम निकलते हैं उनको लगता है कि जिंदगी में बाकी चीजें भी हैं मेंटल हेल्थ भी एक चीज़ है सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं एक चीज़ है सब में आप प्रैक्टिकलिटी हो मैं अपने प्यार को प्रैक्टिकलिटी से बाहर रखता हूँ माई लव इज लाइक दैट्स माई ड्रीम कि एट मुझे पता है जब मैं रिलेशनशिप में आऊंगा और तो e आई डों एक आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन इन माई रिलेशनशिप बट आई विल ड्रीम फॉर इट आई हैव लेट दैट ड्रीम ऑफ माइंड डाय एज ऑफ नाव प्रेम अभी भी मेरा सबसे अच्छा इमोशन है और मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं अपने प्रेमी के साथ या मेरी प्रेमिका के साथ जब समय बिताऊँगा और जब हमारी शादी होगी तो वो उतना ही खूबसूरत होगा जितना मैंने बचपन में इमेजिन किया था वाह wow. बाकी सारी चीज़ों में मैं सत्य आ, आ, वो करने में सच आ, हजम करने में तैयार हूँ प्रेम के मामले में अभी भी मैं wow. मैं मानता हूँ कि प्रेम शुड बी बेस्ट थिंग इन लाइफ तो गैस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए सो डोंट फोगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स